निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर आंदोलन करने वाले राजपूत संगठन अब आमने सामने हो गए हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना महाराष्ट्र ने फिल्म पद्मावत के खिलाफ आंदोलन को वापस ले लिया है। इसके लेटर हेड पर जारी पत्र में कहा गया है कि राजपूत प्रतिनिधियों ने 2 फरवरी को मुंबई में फिल्म देखी है। इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह सहित राजपूत गौरव की छवि किसी भी तरह से धूमिल नहीं की जा रही। महाराष्ट्र कर्णी सेना का यह भी कहना है कि निर्माता निर्देशक ने फिल्म में राजपूती आन बान और गौरव का पूरा ख्याल रखा है। फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दरअसल इस संगठन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने भी पद्मावत फिल्म को राजपूतों का गौरव दर्शाने वाला बताया था। भले ही इस इकाई ने मुंबई में फिल्म पद्मावत के खिलाफ आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी हो, लेकिन राजस्थान में फिल्म का विरोध जारी रहेगा। कर्णी सेना के संरक्षक का कहना है कि फिल्म पद्मावत का विरोध जारी रखा जाएगा। जिन लोगों ने मुंबई में फिल्म देखकर आंदोलन वापस लेने की बात कही है, उस पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। वो जो कल एक लेटर जो महाराष्ट्र से जारी हुआ है, महाराष्ट्र पदाधिकारी ग्रुप का, उसमें मैं आपको बता दूं कि मुंबई जो अध्यक्ष है वो है मदन सिंह जी राजकीय आवास, और उनकी पत्नी का रात को कल ही देहांत हो गया। वो 6-7 दिन से अस्वस्थ थी, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और उस लेटर के अंदर जो किसी ने साइन किए हैं, अभी तक सत्यता सामने नहीं आई। अगर उस लेटर के अंदर कोई शामिल है, उन सबको निष्कासित किया जाता है श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना से, अगर कोई है तो। अगर फिल्म कल देखी है तो कोई पर्सनल तौर तरीके पर अपने फिल्म पहले भी राजपूतों ने काफ़ी उन्हें देखी है और कल भी देखी होगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस फिल्म का विरोध पहले भी जारी था, हमारा आज भी जारी है। हमारी आपातकालीन मीटिंग 6 फरवरी मंगलवार को बुलाई गई है, उसमें हमारे जो संगठन के और जो कोई हमें महत्वपूर्ण डिसीजन लेने, वो 6 फरवरी को हम लेंगे। बात रही फिल्म की, तो फिल्म राजस्थान में ना तो राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना चला सकती, ना कर्णी सेना चला सकती, ना कोई अन्य संगठन चला सकता, क्योंकि कोर्ट में हाईकोर्ट राजस्थान में रिट पेंडिंग है और सोमवार को वहाँ फिल्म हाईकोर्ट के जज देखेंगे। उसके बाद सरकार और जज का क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में भी राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने फिल्म देखकर इसे पंजाब में रिलीज करने पर सहमति दे दी है।